फ्रेंड्स, आप सबका अपने फेवरेट चैनल आयुषी गुड़ियाल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबको पर्यावरण को बचाने के कुछ उपाय बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मेरी वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, आप सब लोगों को बाथटब और शावर से नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि बाथटब और शावर से बहुत ज्यादा पानी वेस्ट जाता है। इसलिए हमको एक बाल्टी पानी से नहाना चाहिए। और क्या आपको पता है, सचिन तेंदुलकर भी एक बाल्टी पानी से नहाते हैं। वो हमको सीख देना चाहते हैं कि हमको पानी कम से कम यूज करना चाहिए। गाइस, जब भी आप सब लोग अपनी कार या बाइक को धोते हैं तो सीधा डायरेक्ट पाइप से ना धोए, क्योंकि पाइप से धोने से हमारा बहुत ज्यादा पानी वेस्ट जाता है। इसे एक बाल्टी पानी से धोएं। एक बाल्टी पानी से धोने से हमारा कम से कम पानी वेस्ट होता है और इससे हमारी कार और बाइक भी अच्छे से धुल जाती है। गाइस, जब भी आप सब लोग अपने घर से बाहर जाते हैं 1 या 2 किलोमीटर, तो कभी भी गाड़ी या बाइक का यूज ना करें, क्योंकि गाड़ी या बाइक के धुएं से बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। इसलिए या सब आप लोग साइकिल में जाएं या पैदल चलकर जाएं, इससे आप फिट भी रहेंगे और प्रदूषण भी नहीं होगा। गाइस, आजकल तो सब लोग आरओ यूज कर रहे होंगे, पर जो आरओ का वेस्ट पानी होता है ना, आप उसको फेंकेगा मत। आप उसको पोछा लगाने में यूज कर सकते हैं या अपने घर के कोई भी काम में यूज कर सकते हैं। इससे हमारा पानी भी बचेगा और आपका काम भी हो जाएगा। गाइस, आज सब लोगों को पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और अगर आप सबके आस पड़ोस में कहीं पर भी जगह नहीं है, तो आप अपने छत पे या बालकोनी में या कहीं पर भी लगा सकते हैं। गाइस, आप सब लोग जब भी मार्केट जाएं, अपने साथ एक बैग ले जाएं और प्लास्टिक की पन्नियों से सामान कभी ना लें, क्योंकि प्लास्टिक की पन्नियों को जलाने से बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता है और उसको काऊ भी खा लेती है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग मार्केट में अपने साथ बैग ले जाएं। गाइस, जब भी आप सब लोग अपने कमरे से बाहर जाएंगे, लाइट, पंखा, टीवी सब कुछ बंद करके जाएंगे। इससे हमारी बिजली की बिल की बहुत ज्यादा बचत होती है और हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी सेफ रहती है। गाइस, जैसे आप लोग फूड धो रहे हो, वेजिटेबल्स धो रहे हो या कोई भी पानी से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो, तो टैप को कम से कम मात्रा में रखें। इससे हमारी पानी की बचत होगी। आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।